Diwali ki shubhkamnaen, wishing you a wonderful year ahead with a lot of peace and prosperity. Diwali is always very special, and what makes it special is spending time with people you love the most. And for me, almost har saal main kisi na kisi film set pe hoti hu, but is saal maine bahut matlab I have made up my mind ki main chahti hu ki main ghar pe family ke saath, friends ke saath apni Diwali celebrate karu. And jaise ki sab jante hain that Diwali is a festival of lights, sweets, naye naye kapde pehna, families ke saath bahar jana, Lakshmi puja karna. So the entire, I love doing it in the whole traditional way. So that's my plan for this year, spending it in the absolute traditional. Diwali se judi hui silence please. Diwali se judi hui koi khas yaad jo aap apne darshakon ko share karna chahenge? Bachpan se mujhe rangoli banana bahut pasand hai, and mujhe yaad hai ki bachpan mein used to spend the whole day decorating outside the house, making the rangoli. और कितने बार ऐसा होता था कि पहली अटेम्प्ट में हमें वो हम जो पैटर्न चाहते हैं हम नहीं बना पाते थे, पर हम लोग पूरा पूरा दिन बिता के एक खूबसूरत सी रंगोली बनाते थे, उसके इर्द गिर्द दियाज डेकोरेट करते थे. एंड इवन नाउ आई लाइक टू मेक माई ओन दियाज एंड गिफ्ट टू माई फ्रेंड्स. आई थिंक ये जो पर्सनल टच होता है यही दैट्स द ब्यूटी ऑफ यू नो सेलिब्रेटिंग दिस फेस्टिवल. मुझे क्रैकर्स से कभी भी ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं रहा है, इवन व्हेन आई वाज अ चाइल्ड. एंड मी एंड माय ब्रदर, आई थिंक व्हेन आई वाज इन द फर्स्ट स्टैंडर्ड ऑल्सो, आई हैड डिसाइडेड आई वोंट बी वर्स्टिंग एनी क्रैकर्स, क्योंकि ऑलरेडी बहुत पोल्यूशन है. जो स्ट्रे एनिमल्स होते हैं रस्तों पर, उनको बहुत दिक्कत होती है. सो आई जस्ट डोंट थिंक इट्स रिक्वायर्ड टू एन्जॉय अ फेस्टिवल. यू कैन डू इट इन द मोस्ट इको फ्रेंडली वे, एट द सेम टाइम एन्जॉय टू द फुलेस्ट. अच्छा, जिसकी भी गवर्नमेंट ने भी बैन लगा दी क्रैकर्स के ऊपर, तो बहुत सिक्योरिटी में. वेल, मैं बचपन से मैं क्रैकर्स नहीं बर्स्ट करती, बिकॉज आई थिंक दैट हमारे जो इंडियन फेस्टिवल्स हैं दे हैव सो मच मोर टू ऑफर देन जस्ट यू नो, लाइक इन दिस केस फायर क्रैकर्स आर एडिंग टू द एयर पोल्यूशन एंड नॉइज पोल्यूशन. सो अगर हम इन दोनों चीज़ को अवॉइड करके सेलिब्रेट कर सके तो वाई नॉट. एंड आई हैव सीन कि नॉर्मली दिवाली के एक दिन बाद जो अगर आप रस्तों पे कभी भी चलेंगे या व्हेनेवर ड्राइविंग थ्रू यू सी इट्स सो डर्टी एंड यू ऑलवेज एक्सपेक्ट समबडी एल्स टू क्लीन इट, बट अगर हम वो गंदा ही ना करें तो हमें साफ़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी. सो आई थिंक इट्स अ ग्रेट इनिशिएटिव एंड एक कस्टमरी फुल जोड़ी जलाऊंगी इस साल, आई थिंक दैट्स अबाउट इट, बट नॉट रियली बर्स्टिंग दैट. दिवाली के सिर्फ क्रैकर्स तो हैं, साथ ही साथ मिठाइयाँ और तरह तरह की डिशेज की भी बहुत बात होती है, तो विच इज़ योर फेवरेट? मुझे इंडियन स्वीट्स बहुत पसंद है, बेशक मैं पूरे साल नहीं खाऊँ, बट दिवाली का ये त्यौहार मैं कभी भी मिस नहीं करती. टू हैव माई फेवरेट स्वीट्स, आई लव गुलाब जामुन, आई लव रसमलाई, आई लव काजू बर्फी. सो इस साल मैं पूरी आई एम गोना ट्राई आउट ऑल माई फेवरेट स्वीट्स. मैं बनाती नहीं क्योंकि मैं बनाऊँगी तो कोई खा नहीं पाएगा, पर घर में बहुत सब खाने के शौकीन हैं, सो पूरी तैयारी रहती है. तो जाने से पहले सभी दर्शकों से व्यूअर्स से जस्ट विशिंग एवरीबडी अ वेरी हैप्पी दिवाली एंड अ लॉट ऑफ हैप्पीनेस एंड प्रॉस्पेरिटी एंड पीस. हम नॉर्मली सुनते रहते हैं कहीं पर ये हो रहा है, कहीं पर वो हो रहा है, वो सब you know, all keeping all the evil and bad things aside, spreading happiness everywhere. Thank you. Just a wish for the lady. Yes. Which camera you want me to use? This one. Hi, मैं हूँ तमन्ना and wishing all the लहरे viewers a very very happy Diwali, have a prosperous year ahead and a peaceful one. Hi, मैं हूँ तमन्ना and wishing लहरे the 30th happy birthday. It's amazing, मतलब so many years and I'm wishing you all the more years, all the more beautiful years ahead and keep entertaining us. Thank you. A very very happy Diwali. It's been a great year. You know, बहुत अलग अलग फिल्में इस साल मैं कर पाई हूँ, but I've also made it a point कि हर त्यौहार को पूरे जोरों शोरों से celebrate करना है इस साल. I think that was one of my really long wishes, because Diwali हो या कोई भी you know festival हो, उसमें जो छोटी छोटी रस्में होती हैं उसी में पूरा मज़ा है.
लाइक आई लव डूइंग रंगोली एंड दैट इज़ समथिंग दैट बचपन में बहुत करती थी एंड ऑफकोर्स यू नो आई थिंक एज टाइम एलैप्सेज यू डोंट स्पेंड डूइंग ऑल दी स्मॉल थिंग्स एज मच. सो मुझे दिया बनाना बहुत पसंद है. सो या ये दिवाली मैंने मन बनाया था कि ये सब काम करेंगे बट उसको छोड़ के ये सब छोटी छोटी चीज़ें जो बहुत ज़रूरी है और बहुत बहुत मज़ा आता है करने में इसे मैं इस साल वो करने वाली हूँ. दिवाली माना जाता है मिठाइयों का त्यौहार. बिल्कुल. तो आपको कितना बनाना और खाना पसंद है मिठाई? मैं बनाऊँगी तो कोई खा नहीं पाएगा इसीलिए मैं बनाती नहीं बट डेफिनेटली ये दिवाली और मुझे इंडियन स्वीट्स बहुत पसंद है. लाइक आई लव रसमलाई, आई लव गुलाब जामुन. यहाँ पर काजू बर्फी तो मुझे देख रही है तो मैं उसे ऑलरेडी एक ऑलरेडी खा चुकी हूँ और अभी तो जिस पोजीशन में रखा है अच्छा नहीं है मेरे लिए. बट यस आई लव इंडियन स्वीट्स एंड ये त्यौहार में स्पेशली इतने गिफ्ट्स आते हैं जो स्वीट्स के होते हैं कि इट्स इम्पॉसिबल कि आप बिना खाए रह सकें. तो बचपन में दिवाली की कुछ यादें ताज़ा होती हैं और कौन सा ईयर ज़्यादा अच्छा रहा है दिवाली का आपके लिए? आई थिंक फॉर मी दिस ईयर इज़ रियली रियली स्पेशल बिकॉज मैं घर पे हूँ. आई एम स्पेंडिंग टाइम विद माई फैमिली. मेमोरीज फ्रॉम जो पूजा का दिन होता है आई थिंक वो बहुत मेमोरेबल होता है क्योंकि ऑफिस में पूजा होती है, घर में पूजा होती है एंड द होल फीलिंग दैट यू नो द ईयर इज़ गोइंग टू स्टार्ट ऑफ ऑन अ पॉजिटिव नोट वो बहुत ही एक अच्छा फीलिंग होता है. एंड सो या आई मीन एंड दिवाली इज़ एवरीबडी कम्स टुगेदर. लाइक इतनी पार्टीज़ होती है, लाइक आप तो नोटिस ही करेंगे, सबको एक दूसरे से मिलने का मौका मिलता है क्योंकि हम अपने लाइफ्स में इतने बिजी हो जाते हैं कि वी डोंट एक्चुअली स्पेंड टाइम. बट दिस इज़ अ ग्रेट टाइम ऑफ द ईयर जहाँ पर सब इंडस्ट्री हो या फ्रेंड्स हो, फैमिलीज हो, दे ऑल मेक टाइम टू बी विद ईच अदर. सो आई एम हैप्पी दैट आई एम अराउंड, आई एम गोइंग टू मीट ऑल माई फ्रेंड्स एंड फैमिली. तमन्ना, इसके अलावा जो दिवाली न्यू ईयर भी मनाया जाता है, न्यू ईयर भी मनाते हैं, तो ऐसा कोई रेजोल्यूशन है जो इस साल आप करने वाली है अगर आप शेयर करना चाहें अपने फैंस के साथ? डेफिनेटली माय रेजोल्यूशन इज टू डू ऑल द स्मॉल थिंग्स दैट आई डोंट नॉर्मली एंड अप डूइंग, लाइक स्पेंडिंग टाइम यू नो विथ योर फ्रेंड्स और विथ फैमिली. जैसे मैं कह रही थी कि दिवाली की छोटी छोटी रस्में होती हैं जो बहुत फन होती हैं. नॉट ओनली दिवाली बट एवरी फेस्टिवल दैट कम्स. अभी उसके बाद जब क्रिसमस आएगा, न्यू ईयर आएगा, आई थिंक आई वांट टू एंजॉय ईच एंड एवरी फेस्टिवल एंड हैव फन मोस्ट इम्पोर्टेंटली. क्रैकर्स फोड़ना कितना पसंद है और मतलब ऐसी कोई मेमोरी है, कोई नॉटी चीज़ें की वो आपने दिवाली के दौरान? सो मी एंड माई ब्रदर व्हेन वी वर रियली स्मॉल किड्स वी डिसाइडेड टू नॉट बर्स्ट क्रैकर्स क्योंकि हमें मालूम पड़ा कि इसमें चाइल्ड लेबर, you know, they are the ones who actually make crackers and they hurt themselves, they injure themselves. So uske us wo saal ke baad, I think I was in the fifth standard or something like that, uske baad maine kabhi crackers burst nahi kiye. Ek jo rasam ki hoti hai, ek phuljadi hoti hai, wo hum karte hain, but that's about it. And also I think in today's time and age there is so much pollution outside, hame aur pollution add karne ki koi zarurat nahi hai. And you know there are lights, you can spend time with friends, family, enjoy yourself, but then bursting crackers is only adding to the pollution. So usse avoid karke there are aur bahut zariye hain jisse aap maza kar sakte hain. So as a responsible citizen I think it's good to make that change and make things eco-friendly. Professional front ki agar hum baat kare, Bahubali ke baad choices change hone wali hai aapki ya fir? Definitely. I think I feel very responsible ki I should choose scripts that I enjoy mostly and something that is gives me a scope to perform. Like is saal I've done a film with Vasuji which is where I play deaf and mute and mere liye wo kirdaar nibhana ek bilkul naya tha and that's a Hindi film. Apart from that I'm doing a Telugu film which Kunal Kohli has made. I mean it was very interesting to see a Hindi filmmaker come into you know making South films kyunki abhi bhasha ka jo importance tha wo blur hote ja raha hai. Now it's all about good content, good cinema. कहीं पे भी वही चल रहा है कि अगर फिल्म अच्छी है तो लोग देखना चाहते हैं. सो इट्स वेरी इंटरेस्टिंग टू सी दिस एक्सचेंज ऑफ फिल्म मेकर्स एंड द थॉट दैट यू नो इस भाषा में भी हमें बनानी चाहिए, फिल्में बनानी चाहिए. एंड सो या आई मीन आई हैड अ वेरी इंटरेस्टिंग मिक्स एंड यस आई डेफिनेटली फील वेरी रिस्पॉन्सिबल आफ्टर डूइंग बाहुबली. सो 2017 आपके लिए काफ़ी अच्छा रहा है तो 2018 से क्या एक्सपेक्ट करनी है? You know, I'm just trying to live each day at its at a time and but yes, definitely to do things that are more meaningful that I really really associate with. And I think this year has been it's been a great realization for me to invest my time and my effort in things I actually like doing. Thank you so much.
यू सो मच. जाता करने दिवाली की विशेष अपने. यस, सभी को अ वेरी वेरी हैप्पी दिवाली. हैव अ फैंटास्टिक ईयर. ये साल आप सभी के लिए बहुत खुशी खुशी भरा हो, पीसफुल हो. हैव अ सेफ, इको फ्रेंडली एंड वेरी हैप्पी दिवाली. थैंक यू सो मच.